जैन साथियों, कैसे हो? आपसे मैं स्वागत करता हूँ आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल एग्जाम के बारे में। दोस्तों आपका पेपर कब होगा? जहाँ देखो एग्जाम कब होगा सर, एग्जाम कब होगा? हमारी तैयारी बहुत बेस्ट हो चुकी है, तो सर आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? और फ्रेंड आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रह सकती है, आपको दोस्तों किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पढ़ना है, आपकी टाइपिंग स्पीड दोस्तों अगर कम है तो आपको कैसे इंक्रीज करनी है, दोस्तों हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। तो आपको दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स बात कर लेते आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में सबसे पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 एडमिट कार्ड नेम ऑफ डिपार्टमेंट। दोस्तों बात कर आपके डिपार्टमेंट के बारे में फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट की अगर बात करें हम, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट है। दोस्तों अपने फॉर्म फिलअप किए होंगे, आपका फिजिकल्स में हो चुका है। और दोस्तों बात की यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में, 429 आपकी टोटल पोस्ट है इसमें। फ्रेंड्स बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले दोस्तों आपका पीएसटी होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और दोस्तों फिर आपका इसमें टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट जिसको बोलते हैं, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है जिसको हम टाइपिंग टेस्ट बोल देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग टेस्ट होता है, आपके ऊपर डिपेंडेड हो आप हिंदी में करते हो इंग्लिश में करते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन 12/7/2020। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया। काफी स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हमारी जॉब लोकेशन कहाँ पे आएगी, इसमें अगर हम यूपी से हैं तो हमें यूपी में जॉब मिलेगी, अगर हम दिल्ली से हम दिल्ली में जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके बहुत कम चांस है अगर आप यूपी से आपको यूपी में जॉब मिलेगी। ये जॉब दोस्तों आपकी जो है आपकी ऑल इंडिया लेवल पे है, आपको ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। ये आपका डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ऑफिशियल नोटिस के बारे में, आपके एग्जाम्स के बारे में, आपके पेपर कब होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ईमेल संदेश सेवा में SDG, APS, ADG North, all sector, ISD including training and NISA, all zonal plants, DGP including DOS, DA and a zone, all training institute and resistant BN, ठीक है दोस्तों। आपका ये नोटिस है जो काफी वायरल हो रहा है यूट्यूब पे, काफी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं पेपर हमारे इसी डेट में होंगे, तो दोस्तों हम इसके बारे में आज बात करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर 2019 इन सीआईएसएफ कंडक्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एसआई नंबर 1-2, ठीक है, नेम ऑफ नोडल सेक्टर एनसीआर एनसी, ठीक है, ईएस से दोस्तों आप कौन से जोन में हो आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफिकेशन रिटर्न एग्जामिनेशन, दोस्तों यहाँ पे देखिए एनसीआर में 1,33,606 स्टूडेंट है यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इतने स्टूडेंट नहीं है दोस्तों, ज्यादा स्टूडेंट है यहाँ पे, कम दिखाए गए नोटिस में, पता नहीं कैसे दिखा रखे हैं दोस्तों, लेकिन आपके इसमें ज्यादा स्टूडेंट है, आप मान के चलिएगा इस बात को भी, आप 100% मानिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपकी जो डेट थी दोस्तों पेपर की यहाँ पे 26/4/2020 की थी, पहले की डेट बता रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पे देख लीजिए आप आराम से, हर एक यहाँ पे जून की दे रखी है। और रेफरेंस आगे देखिए रिशेड्यूल डेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट पेज 12/7/2020। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिखाया गया है तो 7वें महीने का पेपर होगा, 7वें महीना जून जुलाई में मान के चलिए आपके पेपर इसमें होंगे दोस्तों। तो भाई आपको क्या लगता है आपके पेपर जुलाई में होंगे? प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइज, आप पेपर की तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी तैयारी को अच्छे से ढंग से कीजिए। आप क्या सोचते हो इसमें कंपटीशन बहुत कम है? भाई मान के चलो आप कम से कम 14 से 15 लाख स्टूडेंट पेपर देंगे, भाई कंपटीशन बहुत हार्ड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आप प्लीज जितना हो सके स्टडी किया करो यार, ठीक, आपको किस प्रकार की स्ट्रेटजी बना के चलनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, तो ध्यान दीजिएगा, जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करना। क्या सुना आपने? जो गलती मैंने की वो गलती आप मत करना। आपको दोस्तों ढंग से पढ़ाई करनी है, अच्छे ढंग से स्टडी करनी है दोस्तों, ये नहीं कि आपने बस जीके पे फोकस किया, जीके जीके पे लगे रहो, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। आपको हर एक सब्जेक्ट को लेके चलना है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, जीके मैथ रीजनिंग, आपके दोस्तों 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोस्तों कंपलसरी है इसमें। आप हिंदी करो इंग्लिश करो आपके ऊपर डिपेंडेड है वो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है आप इंग्लिश करोगे, आपकी हिंदी अच्छी है आप हिंदी करोगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेशन करूँगा आप हिंदी वहाँ पे करो तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि हिंदी आपकी बहुत ईजी आती है, ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स देखिए आप ज्यादा फोकस करें दोस्तों यहाँ पे हिंदी पे, मैथ पे और रीजनिंग पे। दोस्तों आप कहते हैं भाई 100% दे दो आप रीजनिंग को, हिंदी को और मैथ को, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्या सुना आपने दोस्तों? हिंदी पे, मैथ पे और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। आप ये सोचिए कि जीके नहीं पढ़ना, जीके पढ़ो, जितनी आपको जीके आती है वही बहुत है दोस्तों। जीके का कुछ नहीं पता, जीके कहां से उठ के आ जाए कुछ नहीं कह सकते। मैंने भी पिछली बार यही गलती की थी SSC GD में, ठीक है, मैं सिर्फ
एक पॉइंट को समथिंग नंबर से रहा हूं मैं, कुछ एक पॉइंट कितना होता है आप देख लीजिए, ठीक है, ऐसे पॉइंट से रहा हूं मैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप गलती ना करो, ध्यान दीजिएगा, ढंग से स्टडी करो भाई, आप सबका सिलेक्शन होगा इसमें। आप प्लीज ये सब मत ध्यान दीजिए पेपर कब होंगे, यूट्यूब पे वीडियो बन जाती है कि इस डेट को पेपर होना है, उस डेट को पेपर होना है। यार पेपर तो मान लो कल हो जाए, फिर आप पेपर दे पाओगे? नहीं होगा भाई। देखिए अगर मान के चलिए पेपर आसान आता है, इजी आता है, तो कट ऑफ आपकी बहुत हाई लेवल पे जाएगी, कम से कम 95 ही प्लस कर सकती है आपकी 100 में से, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, सब करके आएंगे, ठीक है। तो 90 प्लस कट ऑफ जाएगी, तो भाई ये देखो आप किस, आप कहाँ पे जाओगे, आप कहाँ पे सिलेक्शन होगा आपका, नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, आप स्टडी कीजिए अच्छे से, ठीक है, आपके पास टाइम है। पेपर जितना टफ आएगा उतना आपको फायदा है, पेपर जितना टफ आएगा उतना आपको फायदा है। तो ध्यान दीजिएगा पेपर पे, अपना पूरा ध्यान दें, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, वहां से पेपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। किस प्रकार पेपर आता है वो चेक कीजिए। आप अभी लॉकडाउन में हो, घर पे हो यार, तो प्लीज स्टडी किया करो भाई, ठीक है। ये भाई मैं आपके लिए मैंने वीडियो बनाना जरूरी समझा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मैंने कई वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे कि सर पेपर कब होंगे हमारे, सियासत पेपर कब होंगे, गर्ल्स भी कॉमेंट करते हैं सर पेपर कब होंगे। यार पेपर की तरफ ध्यान मत दो, वो काम सरकार का है, आपका काम है स्टडी करना। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा से, प्लीज स्टडी कीजिए। आपको कुछ भी डाउट लगता है, आप कुछ भी बात पूछनी हो मुझसे, किसी भी पेपर के बारे में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोस्तों आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी है भाई, अपना 100% लगा दो भाई, क्या कहता हूँ मैं कि 100% लगा दो भाई, आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी ऐसा नहीं है इंसान इस दुनिया में जो आपको रोक दे इसमें सिलेक्शन लेने से भाई, ठीक है। और जिन भाई की टाइपिंग नहीं है, जिन मेरे फ्रेंड्स की काफी दिक्कत रहती है कि टाइपिंग नहीं है सर, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए अलग से, ठीक है। मैं उसके अलग से वीडियो बनाने या नहीं बनाने मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मेरी टाइपिंग स्पीड भाई ठीक ठाक है, वैसे इतनी अच्छी भी नहीं है। मैंने जो मेरी टाइपिंग स्पीड है गाइज, मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है वीडियो, आप चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है। मेरी टाइपिंग स्पीड वैसे ठीक ठाक है दोस्तों। दोस्तों आपकी टाइपिंग स्पीड यार मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी आती है अभी, ठीक है। आपको दोस्तों कैसे इंक्रीज करनी है मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिए, आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड। थैंक यू सो मच।